चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से, यूपी से, अलीगढ़ से या तेलंगाना, कहाँ से भी जो अपीयर हुए हैं, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स 28 हैं। ये जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, इनके नंबर में इजाफा लाने की ज़रूरत है, इजाफा करने लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका सिटीजनशिप हो या जो फेलोशिप होता है एक कंट्री में, जो कंट्री के डेवलपमेंट में आप ताउन कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब ये गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छे होना हर नौजवानों को इसलिए मैं दावत देता हूँ यहाँ इसके लिए कोशिश करने के लिए और ज्वाइन होने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज, इसलिए कि गवर्नमेंट में ज्वाइन होने के बाद आप जिस तरह के खिदमत समाज को अंजाम दे सकते हैं, शायद कहीं और नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि आपके पास एक ओहदा होता है, उसके साथ में अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ बजट, फिनेंसेस, ये सब आपके सामने रहते हैं, होते हैं आपके साथ, तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं आप, और हर कम्युनिटी का हिस्सा इसमें होना चाहिए, बराबर हकदार होना चाहिए। अगर सेलेक्ट होना है तो कैंडिडेट अपने हौसले और अपने सलाहियत की बुनियाद पर ही सेलेक्ट हो सकता है। इसके लिए जो तरबियत देना है, जो गाइडेंस देना है, जो मटेरियल फराहम करना है, ये सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि कैंडिडेट आगे बढ़ना चाहिए और उनके घर में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, और माँ बाप भी इनकी हौसला अफजाई करके इसमें कम्पीट करने के लिए उनको भेजना चाहिए। अगर ये सब फैमिलीज़ की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से ये काम हो सका, तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे स्कीम्स हैं तेलंगाना में आज अकलियतों के लिए, सिविल सर्विस स्कीम उसके तहत एक है, तो हम लोग इसके ज़रिए से पूरा ताउन देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, इनको आखिरी मंजिल तक ले जाने के लिए इनके साथ रहेंगे और हम लोग कामयाबी दिलाने की भी कोशिश करेंगे। तो ये जो माहौल अच्छा बनता जा रहा है तेलंगाना में, इसको सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां भी लाना ज़रूरी है इस स्कीम में, इंशाल्लाह देखते हैं, आज थोड़ा फीडबैक भी लेंगे कैंडिडेट से, किस तरह के चेंजेस लाना चाहिए इसमें, हम लोग भी बैठ कर सोचेंगे, गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान किस तरह के नजायज हमारे सामने पेश आए हैं, उन सबको नज़र में रखते हुए किस तरह से इसमें चेंजेस लाना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे।